लेकिन अब देखिए सरकार के एजेंट बने अधिकारी बैठे हुए हैं और आपने देखा है कि किस तरह बदतमीजी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ कि इनकी बदतमीजी का जवाब घोसी की जनता देगी। और अभी भारतीय जनता पार्टी का नामांकन हुआ, उस दिन तो गिनती नहीं आ रही थी। जी हाँ, कुछ यही मंजर था जब आज समाजवादी पार्टी के घोसी उपचुनाव से उम्मीदवार सुधाकर सिंह नामांकन करने पहुंचे। यहाँ सुधाकर सिंह के समर्थकों के बीच नामांकन गेट पर अंदर जाने को लेकर पुलिस से झड़प और कहासुनी हो गई। देखते ही देखते सफाइयों ने पुलिस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। बताया जा रहा है कि नामांकन के लिए केवल 5 लोगों को नामांकन ऑफिस के अंदर जाने की अनुमति थी। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का इसी 5 लोगों के लिस्ट में नाम नहीं था। पुलिस का कहना था कि 5 लोगों की जगह ज्यादा लोग जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ये झड़प हुई। कुछ बता पाएंगे? पूछिए आप साहब, क्या हुआ? क्या साहब से पूछिए, क्या हुआ? क्या वो 5-6 आदमी जाना चाहते थे, 8 आदमी जाना चाहते थे, हम लोग नहीं जाने दिए। हम लोग को जो आदेश है वही हम लोग किए। कितने लोग का आदेश है? 5 आदमी का आदेश है, 5 आदमी हम लोग है। कितने लोग जाना चाहते थे? जाना चाहते 8 आदमी करीब जाना चाहते थे, 7-8 आदमी। ये कौन लोग थे? ये सपा वाले थे। वही सपाइयों ने प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया और सपा नेता व प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह ने कहा कि अब घोसी की जनता ही इनका जवाब देगी। नामांकन में यह था कि हम लोग 5 लोग ही सिर्फ जाएंगे, प्रस्तावक, प्रत्याशी और पार्टी के जिलाध्यक्ष। लेकिन यहाँ एक इंस्पेक्टर महोदय हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जो कि 60 साल की उम्र के, उनको धक्का देते हुए कहा कि नहीं, सरकार का आदेश नहीं, आपको नहीं जाने देंगे। तो हम लोगों ने बस यही पूछा कि 5 लोग तो आप जाने दे सकते हैं, लेकिन अब देखिए सरकार के एजेंट बने अधिकारी बैठे हुए हैं और आपने देखा है कि किस तरह बदतमीजी ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ कि इनकी बदतमीजी का जवाब घोसी की जनता देगी और आने वाले चुनाव में इनको इतने वोटों से हराएगी कि ये लोग शर्मसार हो जाएंगे। पुलिस से कहना है कि 5 लोग के अलावा जिला अध्यक्ष छठवें थे? आप देख लीजिए कि 4 लोग के अलावा जिला अध्यक्ष पांचवें थे। और अभी भारतीय जनता पार्टी का नामांकन हुआ, उस दिन तो गिनती नहीं आ रही थी, क्यों गिनती भूल गए थे? तो ये लोग अपने आप को सत्ता पक्ष के एजेंट के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। कम से कम वर्दी का ख्याल करिए, अपनी नौकरी का ख्याल करिए, भारत के उस संविधान की शपथ का ख्याल करिए जो आपने ली थी। कुछ नहीं तो एक वरिष्ठ नागरिक को सम्मान देने का जो मानवता धर्म है उसका ख्याल करिए। लेकिन इस सरकार में संविधान की कोई कीमत नहीं है, संविधान को तार तार ये लोग कर दिए हैं। तो घोसी की जनता आपको जवाब देगी और संविधान बचाने का काम करेगी। बता दें कि दारा सिंह चौहान की विधायकी और सपा से इस्तीफे के बाद खाली हुई घोसी विधानसभा पर उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि इस्तीफे के बाद दारा सिंह चौहान ने बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को ही घोसी के उपचुनाव में अपना कैंडिडेट बनाया। वहीं सपा ने सुधाकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके लिए आज सुधाकर सिंह नामांकन करने पहुंचे थे। हालांकि इस बीच गेट पर ही सफाई और सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों से झड़प हो गई थी। मऊ से दुर्गा सिंह किंग की रिपोर्ट, यूपी तक।